हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं वीडियो कहां से लाता हूं, जो आप मेरे मेन चैनल पर वीडियो बैकग्राउंड में जो वीडियो आप देखते हैं मैं उसे किस तरह से डाउनलोड करता हूं और किस वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड करता हूं। तो आज वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और इस पर काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई आप वीडियो किस तरह से डाउनलोड करते हैं, कहाँ से लाते हैं, तो आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर आप भी मेरी तरह यूनिक बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम पर वीडियो आपको किस तरह से फाइंड करना है उसके लिए मैं आपको इसे दो स्टेप में बताने वाला हूँ। पहला, जो जिसमें ट्रांजेक्शन वीडियो होते हैं, जिसमें दो या तीन वीडियो को ऐड करके उस पर कोट्स लिख दिया जाता है। और दूसरे नंबर पर वीडियो वो आते हैं जिसमें पर्टिकुलर एक ही वीडियो पर एक कोर्स लिख दिया जाता है। ऐसे वीडियो या तो ट्रेंडिंग होते हैं या फिर वो वीडियो काफ़ी यूनिक होते हैं। सो अगर आप ट्रांजेक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बता रहा हूँ, जिसमें से कुछ लग्जरी कार्स और लग्जरी लाइफस्टाइल की वीडियो हैं और कुछ एडिटेड वाइब वाले वीडियो हैं। और इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे वो वीडियो आते हैं जिसमें पर्टिकुलर एक ही वीडियो पर पूरा कोर्स लिखा रहता है। ऐसे वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग और यूनिक वीडियो होते हैं। अगर आपको इसी तरह के वीडियो डाउनलोड करना है तो आपको इंस्टाग्राम पर रील्स वॉच करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह के वीडियो पर्टिकुलर एक ही अकाउंट पर अपलोड नहीं होते हैं, ये अलग अलग अकाउंट पर वीडियो रहते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम पर रील्स वॉच करनी पड़ेंगी। सो जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप लोगों को इस तरह से कोट्स पहले से ही लिख कर रखना है। अगर आपको दिख रहा हो, मैंने काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे कोट्स लिख कर पहले से ही रखे थे। इसके दो फायदे हैं। पहला तो आपको कोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा, जब आप कोई यूनिक या ट्रेंडिंग वीडियो देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस कोट्स को मैं इस वीडियो पर एडजस्ट कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ, तो काफ़ी आसान हो जाता है वीडियो बनाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।